हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। न्यू सिलेबस फाइनली आ रहा है, मई 24 फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल। अभी आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि लेट द कंप्लीट न्यू सिलेबस कम ऑन 1 जुलाई। जैसा कि आईसीआई ने कहा है कि 1 जुलाई को वो पूरा सिलेबस डाल देंगे वेबसाइट पर, इसके अलावा कई सारे एफएक्यूज डाल देंगे, बहुत सारी बातें ये क्लियर कर देंगे। बट मेरे को ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि 1 जुलाई के बाद भी आईसीआई धीरे धीरे चीजों को क्लियर करता जाएगा। सो अभी थोड़ा सा रोक देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा 1 जुलाई या उसके बाद। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सामने एड्रेस कर रहा हूं सीए फाइनल स्टूडेंट्स को, वो सारे सीए फाइनल स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट मई 24 या उसके बाद के अटेम्प्ट्स में होने वाला है, मतलब न्यू स्कीम में होने वाला है। अगर आप सीए फाइनल्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या एक्सपेक्टेड है एफआर में चेंजेस। अगर हम सीए फाइनल की बात करें तो एफआर में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, याद रखिएगा जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं वो 1 जुलाई से पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसके बेसिस पे बता रहा हूं। 1 जुलाई को क्लियर कट हो जाएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर एफआर के सिलेबस की बात करें, इंडेस पहले भी थे, इंडेस रहेंगे, न्यू स्कीम में भी रहेंगे, इंडेस नहीं बदलने वाले। इंडेस नहीं बदलेंगे मतलब कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, क्वेश्चंस उनके वही रहेंगे। तो क्या बदल रहा है, 2 चैप्टर्स डिलीट हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, कौन से, सीएसआर वाला और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जिसका वेटेज 5-10% होता था, और 2 चैप्टर्स नए आ रहे हैं, पहला एथिक्स विथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग, जिसका भी वेटेज सेम रहेगा 5-10% का। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज और क्या आ रहा है, इंस्टीट्यूट ने कहा है कि डिफरेंसेस बिटवीन इंडेस एंड एएस पे भी वो कुछ चीजें पूछ सकते हैं, पर यहां पर सारे डिफरेंसेस सारे इंडेस के कवर नहीं किए जाएंगे, यहां पर लिमिटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंडेस के डिफरेंसेस कवर किए जाएंगे, ज्यादा बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एज सच कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगा उससे। तीसरी चीज, एमसीक्यूज प्रपोज्ड हैं, 1 जुलाई को क्या आता है वो हम सबको मालूम पड़ जाएगा। एमसीक्यूज प्रपोज्ड हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर विथ 30 मार्क्स विथ नेगेटिव मार्किंग, तो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब अगर ओवरऑल बात करें, क्या लगता है आपको, क्या ये कोई बड़े सारे चेंजेस हैं एफआर के अंदर, द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर मुझे इसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग करनी पड़े उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हमारे क्लासेस ले लिया है, तो ज्यादा कुछ नया उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 2 मैंने चैप्टर्स के नाम लिए उनकी रिकॉर्डिंग आएगी लगभग लगभग 4-5 घंटे की, ठीक है, डिफरेंसेस के ऊपर 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी। अगर एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज के रिगार्डिंग जो भी हम मटेरियल बनाएंगे इंस्टीट्यूट के अलावा वो आपको पीडीएफ के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इंस्टीट्यूट अपने आईसीआई के नए मॉड्यूल में, नई स्कीम के नए मॉड्यूल में नए क्वेश्चंस डालता है, तो वो नए क्वेश्चंस भी हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विथ पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो ये टेंशन तो हो गई खत्म एग्जिस्टिंग वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी एफआर कर लिया है या जिनका एफआर चल रहा है, चाहे उनका एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स चल रहा हो चाहे रेगुलर इनडेप्थ कोर्स चल रहा हो। अब बात करते हैं कि सर जो नया सिलेबस आ रहा है, नया स्कीम के अकॉर्डिंग आ रहा है, और हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमने अभी तक एफआर नहीं किया है, हमारा अटेम्प्ट मई 24 है, नवंबर 24 है या उसके बाद है, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं यहां पर जरूर आपको बोलूंगा कि अब आप हमारा नया बैच, जो हम एक नया बैच अनाउंस करने वाले हैं, बल्कि इसी वीडियो में मैं अनाउंस करने जा रहा हूं एक नया बैच जो कि न्यू स्कीम ऑफ आईसीआई के हिसाब से होगा, एंड दैट बैच आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12th of July 2023। 12th of July से लेकर हमारा नया बैच शुरू हो रहा है एज पर द न्यू स्कीम ऑफ आईसीआई। दिस बैच इज कंप्लीटली 100% लाइव बैच, और ये बैच को हम नाम देने जा रहे हैं आईसीआई स्टडी मॉड्यूल बैच। आप ये बैच लाइव कर सकते हो या फिर बाद में रिकॉर्डेड मोड पे भी कर सकते हो, और ये बैच कंप्लीट आईसीआई स्टडी मॉड्यूल बैच रहने वाला है। मतलब ये हुआ कि मैं पूरा का पूरा कंटेंट आईसीआई के नए सिलेबस के नए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, हम मॉड्यूल में से पूरी पढ़ाई करेंगे, सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल में से करेंगे, पूरा सीक्वेंस मॉड्यूल में से करेंगे। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है बेटा, जब भी सिलेबस बदला है, पीछे का पास्ट एक्सपीरियंस अगर ले लिया जाए, जब जब इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज किया है, जब जब नया मटेरियल आया है, इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट में हमेशा आईसीआई मॉड्यूल से ही पेपर बनाता है, और हम सबको बताए कि आईसीआई का जो मॉड्यूल रहता है वो हमारे लिए हमेशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, हमारे लिए एक तरीके से गीता रहती है, आप इसको बाइबल कह सकते हो,
तो हमारा जो ये बैच होने वाला है ये कंप्लीट आईसीआई मॉड्यूल बैच होने वाला है। अब आप बोलोगे सर आईसीआई मॉड्यूल बैच तो होगा, तो इसके नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे, टाइमिंग क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको 2 जुलाई में बता दूंगा। मतलब 1 जुलाई को सिलेबस अनाउंस होने के बाद मुझे भी तो स्टडी मॉड्यूल देखना पड़ेगा बेटा। मैं आज आपको ऐसे ही हवा हवा में बता दूं तो मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको बाकी चीजें 1 जुलाई के बाद जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दूंगा। प्री बुकिंग भी इसकी 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। हां, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है वो ध्यान से सुनिए। आईसीआई मॉड्यूल बैच तो हम ये रखेंगे ही रखेंगे, मतलब पूरा आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ेंगे और आईसीआई मॉड्यूल के पूरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे लाइव, ठीक है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर प्रैक्टिस हमें ज्यादा चाहिए रहती है, तो यहां पर कई बच्चों का एक कंसर्न होगा कि सर आईसीआई मॉड्यूल के अलावा आप हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे कि नहीं। तो ये जो मैं जो बैच स्टार्ट कर रहा हूं इसमें मैं आपको अपनी तरफ से कंप्लीट एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा और उस क्वेश्चन बैंक में इंड एएस के ऊपर आज तक के बनाए गए जितने भी आरटीपीस एमटीपीस और पास्ट एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किताब जब आपको मिलेगी तो आप इसको अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब हमारे आईसीआई मॉड्यूल बैच के अलावा अगर आपको सेपरेटली प्रैक्टिस करना है तो आप उस किताब से, जो मैं आपको किताब प्रोवाइड करूंगा, वो किताब आपको इस तरीके से ऐसा कुछ दिखेगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो मॉड्यूल रहेगा ये आपको अपनी हमारी तरफ से अलग से मिलेगा। अब इस मॉड्यूल की खूबसूरती क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये मॉड्यूल के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा मेरी तरफ से मिलेगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे इंडेस कैटेगरी वाइज, सारे के सारे इंडेस कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा 100 200, ये जो सीरीज आपको दिख रही है कैटेगरी वाइज बनाए गए हैं। मतलब इसका ये हुआ कि क्वेश्चंस को कैटेगरी वाइज में बनाया गया है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो गलत हो गया, आप आईसीआई मॉड्यूल से तो करवा लोगे। सपोज जो ये किताब आप हमें दे रहे हो, अगर इस किताब से हमसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाया तो फिर हम क्या करें? नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, जय सर आपको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए किताब को। किताब का बेस्ट फीचर, द बेस्ट फीचर ऑफ द किताब इज क्यूआर कोड। आपको किताब में हर क्वेश्चन के, मैक्सिमम क्वेश्चन के बगल में ये क्यूआर कोड मिलेंगे, और ऐसा एक आध चैप्टर में नहीं, सारे चैप्टर्स में ऐसा होगा। कोई भी इंडेस पकड़ के ले लो, आपको सभी इंडेस में, सभी क्वेश्चंस के बगल में आपको क्यूआर कोड मिलेंगे। ये क्यूआर कोड का क्या यूज होगा, जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे अपने मोबाइल से, डायरेक्टली वो क्वेश्चन का वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा और आप उसको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देख सकते हो। अगर यकीन नहीं होता तो एक मिनट आप ट्राई करिए। अपन कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, आप रेंडमली कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए और उसको ट्राई करिए। आप अभी के अभी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अभी के अभी इस क्यूआर को स्कैन करिए और आप देखिए कि सेम टू सेम जो ये क्वेश्चन नंबर है ये आपके सामने आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये खासियत होने वाली है हमारे इस नए सिलेबस के नए बैच में। तो इस नए बैच में क्या होने वाला है, हम आईसीआई मॉड्यूल पूरा कवर करेंगे, उसके अलावा मैं आपको अपना ये वाला मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। इस मटेरियल में आप खूब अपनी तरफ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके साथ साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप क्यूआर कोड की सहायता से आप वीडियो भी मेरा देख सकते हो, जिससे आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। देखिए, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि एफआर में हमें प्रैक्टिस चाहिए रहता है, और प्रैक्टिस चाहिए तो हमें आईसीआई मॉड्यूल के अलावा भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पर हमारे लिए आईसीआई मॉड्यूल हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाला है क्योंकि पेपर उसी में से बनेगा, राइट। सो आई होप, मैं आशा करता हूं कि जो बच्चे अपना नया बैच प्लान कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक होंगे। और आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा क्यूआर कोड वाला, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आईसीआई मॉड्यूल बैच वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्री बुकिंग इसकी वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट और हमारे जितने भी एसोसिएट पार्टनर्स की वेबसाइट है वहां पर 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो बाकी सारी चीजें एक बार न्यू सिलेबस आने दीजिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें आपके साथ फिर से शेयर की जाएंगी और डिटेल में मैं पूरा कोर्स आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो अपनी क्वेरीज को प्लीज इस वीडियो के कमेंट में जरूर पोस्ट करिएगा ताकि मैं उन पे वीडियो बना के आपको क्लेरिफाई कर सकूं। थैंक्स अ लॉट।